पंकज जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारा, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि नर्स कट ऐसा वन वीक रह गया, करना क्या है। ठीक है, असल मसला ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मैथ्स का 80, फिजिक्स का 60, केमिस्ट्री या कंप्यूटर का 30, इंग्लिश का 20, IQ का 10। अब मैथ्स में देखो तो लोग बहुत फोकस करते हैं, नहीं ईमानदारी की बात है, केमिस्ट्री के साथ इंग्लिश के साथ IQ के साथ थोड़ा सौतेलापन कर जाता है, जबकि बहुत बड़ी ब्लैंडर होती है। मैं स्टूडेंट्स को बहुत फोकस कराता हूँ केमिस्ट्री इंग्लिश IQ पे, कि इसमें से अगर आप 60 में से 55 मार्क्स ले लें, 55 नहीं तो 50 तो ले ही लें, तो भाई आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि 130 से 140 में होने का चांस होता है, 140 रखें तो इस मतलब आप 90 मार्क्स आपको लेने मैथ्स और फिजिक्स, यानी कि 140% IQ के वजह से। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई अगर आप मेरी IQ की प्लेलिस्ट कर ले तो 10 नंबर पूरे हो जाते हैं। इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, फिर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, मैथ फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, दूसरा चैनल है मेरा सर अमीन एपटेकिंग, और फिर एक हमारी ऑनलाइन क्लासें भी होती हैं बच्चों, बहुत कम फीस पे होती हैं, वो भी आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होती है चैप्टर वाइज। ठीक है जी, डेली के असाइनमेंट वगैरह भी बहुत सारी होती है उसमें, तो कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं है नर्स का टेस्ट क्लियर करना, अगर आप तरीके से चलें। अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे यहाँ तरीके से नहीं चलते, अच्छा जी जज्बाती मुझे नर्स में लेना है, अरे मेरे भाई आप पहले अपने आप को जज करो कि आप नर्स में जा भी सकते हैं नहीं, वहाँ की फीस भी अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। अब कुछ लड़कियाँ जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, भाई आपके घर से परमिशन ही नहीं है उन चीज़ों की, और आप कर लोगे कैसे पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें तो देखें वो भी आप कर देखें ना, जो आप कर सकें, बहुत कुछ ऐसा है जो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आज इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ वोमेंटो पे एक वीडियो ये भी बना दूँ कि वोमेन के लिए कौन कौन सी स्टडीज़ अच्छी हैं, इंशाल्लाह अगर अच्छा टाइम मिला तो। मेरे भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप एनालाइज करें, फिर देखें टाइम मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर जिन बच्चों को मेरे ट्रैक्स पता है मैथ्स की, उनको तो खैर आधे टाइम में बड़े आराम से कर लेंगे। फिजिक्स में ये है कि रीजनिंग क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको बहुत अच्छी तरह देखें, ये भी हो जाएगी। केमिस्ट्री इतनी इसकी यूजुअली टफ नहीं होती, जितनी होती है वो मैं करा देता हूँ, VIP केमिस्ट्री या VIP की जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा। इंग्लिश बड़े आराम से, वो कैब और ग्रामर जो मैं कराता हूँ वो आप कर लें तो हो जाएगी। IQ में तो मैंने कहा मेरी वीडियोज़ ही काफ़ी हैं पूरे के पूरे 10 मार्क्स के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी है कि दुनिया का कोई भी टेस्ट आप उनकी मदद से क्लियर कर सकते हैं भाई, बग़ैर किसी टेंशन के हिचकिचाट के। सो आई एम होपफुल, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।